मुसीबत में फंसने वाली है सभी की जान, कौन बचाएगा उसे। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से सभी की जान जो है वो भाई मुसीबत में फंसने वाली है। वो कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि सभी जो है घर से भाग चुकी है, जहाँ पर सभी अकेले रोड पे खड़ी होगी। अब बेचारी को जाने में सिर्फ एक घंटा होगा, लेकिन उसे कोई व्हीकल नहीं मिलेगा। तो वहीं पर एक आदमी आता है और सभी को ऑफर करता है कि चलो मैडम, हम लोग शेयरिंग ऑटो में चलते हैं। तभी सभी कहती है हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। अब सभी जो है उन आदमियों के साथ ऑटो में बैठ कर जाएगी, जहाँ पर वो आदमी जो है पहले से ही मिली भगत करके आए होंगे, जिसके बाद सभी जो है वो भाई मुसीबत में फंसती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें, ट्विस्ट तो तब आएगा जब सभी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी खुद ही अपने दिमाग लगाकर खुद ही चालाकी से जो है भाई उन गुंडों को भगा देगी। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या फन होने वाला है सीरियल के आने वाले ट्रैक में। पर जैसा कि आप जानते हैं कि सभी सई की बेटी है और वो बिल्कुल ही निडर है। अब सभी जो है बस स्टेशन पर खड़ी होती है, जहां उसे व्हीकल्स नहीं मिल रहे होते हैं, और वो सोचती है कि वो कैसे जल्द से जल्द कोरे गांव पहुंचेगी। वहीं पर आप देख सकते हैं कैसे एक आदमी आता है और कहता है चलिए मैडम शेयरिंग ऑटो में चलते हैं। अब सभी तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अकेले जाए इतने पैसे उसके पास नहीं होते। लेकिन वो आदमी जो होता है एक और आदमी को ले लेता है साथ में, और उसे लगता है कि सभी को कुछ पता नहीं चलेगा। वहीं पर अब ये तीनों ऑटो में बैठे होंगे, जहाँ पर वो दोनों आदमी सभी की ओर देख रहे होते हैं। सभी को इन दोनों पर शक हो जाता है और सभी तुरंत जो है फोन मिलाकर झूठा बहाना करती है और कहती है सर मैं जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी, आज मेरा जॉइनिंग का पहला दिन है, मुझे पता है आपको कोई जरूरत नहीं है पुलिस जीप भिजवाने की, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। अब उन दोनों गुंडों को लगता है कि भाई ये तो पुलिस वाली है, हमें ही मार डालेगी। तो वहीं पर सभी जोर से उन दोनों पर चिल्लाती है और उन दोनों को भगा देती है। वो दोनों तो भाग जाते हैं, लेकिन सभी अब ऑटो में बैठी हुई है। वो ऑटो वाला जो है सभी को बहुत प्यार से ट्रीट करता है, साथ ही सभी की हेल्प भी करता है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भवानी घर में तमाशा कर रही है, क्योंकि भवानी को पता चल चुका है कि ईशा जो है उसी ने सभी को भगवाया है। वहीं पे वीनू जो है हरिणी के साथ बदतमीजी करता है, क्योंकि हरिणी जो है वो भी वीनू को झाड़ देती है कि तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तूने अपनी बहन का साथ नहीं दिया। वहीं अश्विनी बेचारी शांति से खड़ी होकर ये सारा ड्रामा देख रही होती है, लेकिन भवानी जो है वो आग बबूला हो चुकी है। पर आपका क्या कहना है, कैसे सभी जो है ईशान से टकराएगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।